फिरोज इसमें नौ जोड़ी है कोर्ट में को अर्जेंट सिल के दे। अरे हाँ ये भाई सी दूंगा ना, अर्जेंट जी है मेरे को, टाइम का ध्यान रखना, और वो नाप तो है तेरे पास मेरा। आयान ले बेटा फटाफट इसका मटेरियल लेके आ, इसको अपने को अर्जेंट देना सुबह तक का। मटेरियल के पैसे तो है नहीं, काम का चला इतने दिनों से। एक काम कर आयान, वो बाजू में चाचा का वहाँ जा और उनसे 1000 रुपये उधार लेके। हाँ पप्पा लिया है पैसे। यहाँ से स्टोर जा, इसमें पूरा सामान लिखा हुआ लेके आ फटाफट जा। बेटा आयान बहुत थक गया और रात भी ज्यादा हो गई और भूख भी लग रही, खाना खाएंगे घर जाके और सुबह यश भाई को कपड़े भी देना है। अरे आयान यश भाई आते कपड़े ले गए क्या? पप्पा नहीं ले गए। अरे यश भाई ये आपके कपड़ों को आपने 2 दिन का बोल के गए थे, 3 महीने हो गए। अबे तू तेरे थोड़े से पैसों के लिए मेरी दुकान पे आ गया? भाई आपके लिए थोड़े से पैसे होंगे लेकिन ये पैसे मेरे पूरे महीने भर की कमाई है। एक काम कर तू दुकान जा, सामने आके तेरे को दुकान पे पैसे दे दूंगा मैं। जो मैंने इसमें लागत लगाया लोगों से उधार लेके बस मुझे वही दे दो भाई। अबे तेरे समझ में नहीं आ रही, बोले तेरे को दुकान पे लाके दे दूंगा, तेरे जाए समझ में आ रही, चल निकल यहाँ से। ठीक है भाई। बच्चों आज मैं तुमको गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ बताऊंगा। ए अवेश इधर आ। जी सर। अवेश आप घर जाओ और 3 महीने की फीस लेकर आना, जब स्कूल आना चल जाए यहाँ से। बच्चों आपको कैसा लगा गांधी जी की जिंदगी के बारे में जान के? वेरी गुड। अवेश इधर आओ, फीस ले आया तुमने, लाओ बेटा फीस दो। सर मैं मेरा बैग लेना हूँ, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। क्यों बेटा? सर वो मेरे पापा। भाई तुमको कल इससे अच्छी दारू ला के पिलाऊंगा मैं। पापा पापा। आ मेरा छोकरा, बोलना बेटा क्या हो गया तेरे को? पापा मुझे सर ने भगा दे, वो फीस के पैसे दो। अबे यार दारू के पैसे रहिए, देखो फीस के पैसे कहाँ से लाके तुम्हें? क्या करेगा भतीजे पढ़ के। मुझे अभी फीस के पैसे दो नहीं तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अबे तू मेरे को गुस्सा बता रहा, चल निकल यहाँ से। बेटा तू रोए मत, तेरी फीस मैं भर दूंगा। इस दुनिया में इकलौता तू ये सब बच्चा नहीं है जो तेरे साथ ऐसा हुआ। इस दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका भविष्य उनके बाप लोगों ने खराब करके रखा है। अबे शाहरुख तेरे को मालूम आज दुकान के अपने ओनर आने वाले? पर मैंने तो उनको आज तक देखा ही नहीं। भैया एक अच्छा सा पेंट शर्ट दिखा दो, मेरे बच्चे को गिफ्ट करना है। भैया आप लोग हंस क्यों रहे हो? देखो ना मैं पैसे लेकर आया हूँ। अबे बुड्ढे क्या पागल हो गया है क्या, इतनी बड़ी दुकान पे आए? लेकिन आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं आपको और पैसे देता हूँ ना, आप मुझे कपड़े तो दिखाओ। अबे जरा समझ में नहीं आ रही, वाचमैन बाहर निकालो। भैया क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। सर आप आइए ना सर। शायद ये क्या है, माफी मांगे इनसे। अरे पापा आप? भैया ने बोले मुझे बाहर निकालने का। अच्छा रुक देखता हूँ। अरे सर नमस्ते सर, सर वेलकम सर। वो ये दुकान के ओनर कह रहे तू फिर आ गया, तो अभी भगाया ना। तू जानता है कौन है ये? नहीं सर मैं नहीं पहचानता। अबे तुम दोनों को मालूम है मेरा पापा है ये, और मेरे पापा की बेइज्जती करा तुमने, निकल जाओ मेरी दुकान पे, होना नहीं तुम दोनों। फिरोज जाने दे इन्हें, इन्हें एक मौका और दे, ये मुझे जानते नहीं थे। और आप लोग भी देखो कोई भी कस्टमर आए तो उसे कपड़ों से जज मत किया करो, हर कस्टमर की इज्जत किया करो। भाई उधर चल, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ये क्या हो रहा तेरे को? पैर जल रहे मेरे। ले भाई तू मिली चप्पल पहन ले, अपन कबाड़ा चुनेगे तो तेरे को नई चप्पल दिला दूंगा। नहीं भाई तुम पहन लो। अरे चलना यहाँ क्यों रुक गया? अरे चप्पल चोर लिया इनने। अरे ये चप्पल कहाँ से लिया? पैर जल रहे थे मेरे, वहां से उठा लिया मैंने। चाचा तुम्हारे घर के पास से चप्पल चोरी करके ले गया, वो ऊपर है, जल्दी जल्दी चलो। चाचा वो है, चाचा चाचा यही है वो। क्या चप्पल चोरी करता है? भैया भैया मालो मत मेरे भाई को, भैया उसका पाव जल रहा था तो उन्होंने वहां से उठाया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भैया हम कबाड़ा बेच कर आपको पैसे दे देंगे। पैसे ला के दे। भैया तुम चुप बैठो, भैया ये चप्पल आप रख लो, मैं नई चप्पल लिया हुआ। पापा मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं लेट हो गई हूँ। ठीक है बेटा। आ गई बेटा स्कूल से। क्या हो गया पापा आपको, आपकी तबीयत खराब है? हाँ बेटा तबीयत खराब है। जाओ बेटा एक काम करो, मुँह हाथ धो और खाना खा लो। हेलो सर, आपकी बच्ची की फीस जमा कर दो नहीं तो हम एग्जाम में नहीं बिठा पाएंगे। ठीक है सर, क्या करूँ भगवान। यार कोई मजदूर हो तो पहुँचा यार। भैया। हाँ भाई बोलिए। कुछ काम मिलेगा? हाँ भाई काम मिल जाएगा ना आपको। चलो आज का काम तो हो गया, मालिक से पैसे ले लूँ, मालिक मेरा काम हो गया। हाँ ठीक है ये लो तुम्हारे पैसे लो। बच्ची की फीस तो भरा जाएगी, मेरी गोली दवा का क्या? अंकल आपने मेरे पापा को देखा? क्या नाम है बेटा आपके पापा का? मेरे पापा का नाम धर्मेंद्र है। ठीक है अंकल। अरे बेटा रुको। जी अंकल। बेटा ये आपके पापा के लिए गोली दवा लिया ना। अल्लाह के नाम से रहे दो भैया। तेरे माँ बाप नहीं है क्या? भैया मेरा इस दुनिया में तो भी नहीं, मैं अनाथ हूँ। ठीक है बेटा तू आज से मेरे साथ रहना, चल मेरे साथ मेरे घर चल।
भाई देख, मैं तेरे साथ खेलने के लिए तेरे लिए छोटा भाई लेकर आया। ये किसको ले आ उठाएगी रे? अरे भाई ऐसा नहीं बोलते, ये भी अपना भाई है और आज से अपने साथ रहेगा। भाई मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है भाई, छोटे भाई का ध्यान रखना। भाई अब जाओ तो सही, इसका ध्यान तुम अच्छे से रख। अबे क्या देख रहा है, चलो तो भाग। अरे बेटा तू रो क्यों रहा है, क्या हो गया तेरे को, किसने मारा ये? आप जब बाल रहे थे ना, भैया ने मुझे मारा। तूने इस गरीब बच्चे को क्यों मारा, तू जानता तेरी हकीकत क्या है? मैंने तुझे भी रोड पे से उठा के लाया था। भैया मुझे माफ कर दो।